अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरन। आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरन। कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, आज शेड पे आना हो गया। आपके कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं। वो जो वीडियो है वो मिनिमम वेंटिलेशन के ऊपर है। मिनिमम वेंटिलेशन से मुराद ये है कि आपका आउटसाइड टेम्परेचर कम, यानी मैं सर्दियों की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में आपका टेम्परेचर बाहर का डाउन हो जाना है और आपको अंदर ज़्यादा चाहिए। अभी भी जो चूज़े आ रहे हैं वो रात को ही उन्होंने प्रॉब्लम आ रही है कि हमें टेम्परेचर अंदर चाहिए 32-33, लेकिन टेम्परेचर 26-27 पे चला जाता है। लेकिन मेरे वो दोस्त जिनका चूज़ा 35 इन पे है, 30 पे है, 28 पे है, इस टाइम बाहर का टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री है। इस शेड में मैं खड़ा हूँ, यहाँ कच्ची बीटों का मसला आ रहा है, 35वां दिन है। लेकिन मैंने सोचा बीच में आपको ये भी बताऊँ कि जिन जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि 30 डिग्री टेम्परेचर हो, 35 हो, फिर हमने क्या करना है, फिर आपने ये करना है। इनके इस टाइम 8 पंखे चल रहे हैं और ये पूरा फ्रंट पैड खुला हुआ है। दिखाएं जी, पूरा फ्रंट पैड दिखाएं, देख लें जी, पूरा फ्रंट पैड इनका खुला हुआ है। और इन्होंने इधर तो वेंट नहीं दिए हुए, लेकिन साइड में जो पैड्स के ऊपर वेंट है वो भी खुले हुए हैं। पानी का झटका लगवा रहे हैं जी, हल्का फुल्का पानी का झटका भी लग रहा है, क्योंकि अब आपका माल है तैयार, अब आपको अंदर टेम्परेचर चाहिए कम, बाहर ज्यादा हो गया है। इस तरह की कंडीशन में आपने अपने आप अपने माहौल को देखना है खुद। ये मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। दूसरी चीज, जब आप सवाल कर रहे हैं ना कि बाहर 30 डिग्री टेम्परेचर हो, ये देखें जी, मोटर इनकी चल पड़ी है, दिखाएं जी, पानी गिर रहा है, पंप इनका चल पड़ा है, ये कितने सेकंड के लिए चलेगा? 20 सेकंड। ये 20 सेकंड पानी का झटका लग रहा है, क्योंकि अंदर हमें 26-27 डिग्री चाहिए, जबकि बाहर टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो हमें ये झटका लगवाना पड़ रहा है। अभी ये बंद हो ले, जरा अगली बात कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि मिनिमम वेंटिलेशन में हम कैसे कर, ये ट्रांजिशनल वेंटिलेशन में आ गया। रात को ये पैड बंद कर देते हैं, ऐसे ही है जी, रात को पैड बंद करते हैं, वेंट खोलते हैं, फैन भी इनके 4 या 4.5 पे आ जाते होंगे, आधे फैन हो जाते हैं। अब जब आपने ऐसी सिचुएशन है ना, तो आपने 2 CFM पर kg, वही फार्मूला जो मैं मिनिमम वेंटिलेशन में बता चुका हूँ, उसमें अपने 2, 2.5 या 3 के हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। जब हम 5 पे चले जाते हैं फिर टनल वेंटिलेशन आ जाती है, जब हम 0.5 से लेके 1.5 तक रहते हैं तो वो मिनिमम वेंटिलेशन होती है, 1.5 से ऊपर 2, 2.5, 3 तक वो ट्रांजिशन वेंटिलेशन है। तब आपने वो अपने वजन के हिसाब से 2 CFM ले लें, या आप ले लें 2.5 CFM, उसके हिसाब से आपके फैन आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें वेंट्स नहीं आएंगे, फिर आपका पैड इन्वॉल्व होगा। लेकिन यही 35वें दिन पे जो शेड है, जब रात में जाएगा तो फिर मिनिमम वेंटिलेशन पे आ जाएगा, क्योंकि अंदर तकरीबन बराबर हो जाएगा, बाहर भी 26-27 डिग्री होगा, अंदर भी 26-27 चाहिए, तो पैडों से वेंट्स के थ्रू पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपका ये सवाल पूरा हो गया होगा। अच्छा जी, वहीं से शुरू करते हैं। मैं पैड एरिया में खड़ा होकर आपको बताने के मकसद मेरा ये था कि तीन तरह की वेंटिलेशन है। टनल वेंटिलेशन, जब आपका टेम्परेचर बाहर ज्यादा हो, आपको अंदर चाहिए हो कम। मिनिमम वेंटिलेशन, जब आपका टेम्परेचर बाहर कम हो, आपको अंदर ज्यादा चाहिए। ट्रांजिशनल वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि आपको दिन के टाइम कोई और मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, रात के टाइम कोई और मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। अब आप यहाँ पे ट्रांजिशनल वेंटिलेशन की फेज से गुजर रहे हैं, उस वीडियो में मिनिमम वेंटिलेशन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे इन इस शेड के ऊपर पूरे का पूरा पैड खुला हुआ है, लेकिन रात को यही वेंट चल पड़ेंगे। तो दिन को टनल वेंटिलेशन है, रात को मिनिमम वेंटिलेशन है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांजिशनल। कभी हमें पैड खोलने पड़ रहे हैं, कभी हमें वेंट। अब यहाँ पे उसी फार्मूले में जो आपने मेरी मिनिमम वेंटिलेशन वाली वीडियो देखी है, उसमें अपने टोटल वजन को, जो भी आपके परिंदों का वजन है, उसको 5 CFM के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम इसी शेड की एग्जांपल लेते हैं। शेड का वजन आज का 1800 ग्राम है। इनके पंखों की एवरेज CFM 20 से 22 हजार लगाएं तो इनके 8 से 9 पंखे बनेंगे, और जो के बन रहे हैं इस टाइम, 8 से 9 फैन इनके चल रहे हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, वो भाई जो मेरे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर बाहर ज्यादा है, हमें अंदर कम चाहिए, तो आप टनल वेंटिलेशन पे आएंगे। साथ साथ आप फिर जैसे जैसे रात होती जाएगी, आपका टेम्परेचर बाहर का गिरता जाएगा, अंदर आपको ज्यादा चाहिए होगा या बराबर चाहिए होगा। तैयार माल में तो अंदर भी 28 चाहिए, बाहर भी 28 होगा, तो उसमें आप फिर अपने वेंट के ऊपर शिफ्ट होंगे, फैन कम करेंगे, मिनिमम वेंटिलेशन पे आ जाएंगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, इससे मुझे भी सीखने में बहुत मदद मिलती है, और मैं सीखता हूं, मैं आप लोगों की बातों से भी सीखता हूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
कंसल्टेशन के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसकी बड़ी नॉमिनल सी फीस है 500 रुपए पर मंथ और 5000 पर ईयर। और अगर आप मुझसे वैसे इंडिविजुअली कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।